ये है आप सभी की ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड BS6 2022 मॉडल। क्या कुछ गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग पड़ी है, कैसा कुछ गाड़ी माइलेज निकाल के दे पाती है और ओवरऑल क्या गाड़ी का रिस्पॉन्स 160 सीसी में, आज आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और ये भी आपको बता देंगे 2022 में आपको इस बाइक के साथ जाना चाहिए नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटर दुनिया से अप टू डेट रखें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्या कुछ इस गाड़ी की न्यू ऑन रोड प्राइसिंग पड़ी है। तो देखिए, कंपनी ने लगभग इनके दोनों ही मॉडल, आपको इसमें दो मॉडल देखने को मिलते हैं, डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल लुबिस मैंडेटरी है, बाकी आप बैक में 130 mm की ड्रम ब्रेकिंग जो कि इसका स्टैंडर्ड वेरियंट है, उसके अलावा इसकी टॉप एंड वेरियंट है, बैक में आप 220 mm की डिस्क ब्रेकिंग ले सकते हैं। प्राइसिंग वाइज अगर बात करेंगे तो लगभग 5 रुपये प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है इनके सिंगल डिस्क और डबल डिस्क वेरियंट में। बात करें तो कंपनी लगभग 1000 से 1200 रुपये की प्राइसिंग 2022 में इंक्रीज कर दी है। ऑन न्यू ऑन रोड प्राइसिंग की बात करेंगे तो लगभग अगर बात करेंगे इसके ड्रम वेरिएंट के बारे में, जिसमें आपको फ्रंट में सिंगल चैनल एलिबिस और बैक में आपको ड्रम ब्रेकिंग ऑफर की जाती है 130 mm की, तो उसकी लगभग ऑन रोड प्राइसिंग 1,38,000 रुपीज़ आसपास पड़ी है। वहीं पर अगर आप डबल डिस्क की बात करेंगे तो लगभग वो मॉडल आपको लगभग 1,44,000 के आसपास ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। बाकी आप लोग करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग के लिए अपने नियर बाई शोरूम जरूर जा सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के थोड़े बहुत टैक्सेस डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए गाड़ी की प्राइसिंग लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये नीचे ऊपर बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो रही गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात। बाकी ओवरऑल देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार आपको LED हेडलैम्प सेटअप फ्रंट से देखने मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी एक बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड करती है। अपडेट्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी ने बस इस गाड़ी की प्राइसिंग में अपडेट लाया, बाकी कंपनी ने लगभग बाइक पूरी टोटल वैसी रखी है। कोई भी कंपनी ने अभी तक इसके बारे में अपडेट का कोई भी चीज़ नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो गाड़ी आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी पहली तरह रहने वाली है। एक बहुत ही शानदार ओवरऑल ये गाड़ी लुक प्रोवाइड करती है, एक यूनिक सा लुक आपको मिल जाता है। अगर आप 160 सीसी में, अगर आपको होंडा एक्सब्लेड का लुक पसंद है तो बिल्कुल आप इस बाइक के साथ जरूर मूव करेगा, कि ओवरऑल जिस गाड़ी के लुक एंड स्टाइलिंग है कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन बनाई है। ओवरऑल जिस गाड़ी के लुक है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है। बैक से इसमें जो आपको टी शेप का टेल लैंप देखने मिल जाता है, LED टेल लैंप है, तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही शानदार निकल के आता है। उसके अलावा बात करेंगे ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में कंफर्टेबल लाइट वाइज, तो बैक में आपको हम बता दें मोनोसॉक सस्पेंशन देखने मिल जाता है, जिसको कि आप 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी की माइलेज वाइज बात करेंगे, कैसा कुछ गाड़ी का ओवरऑल माइलेज निकल के आता है, तो माइलेज वाइज गाड़ी ठीक ठाक है। आपको लगभग 40 से 42 के MPL के आसपास का माइलेज इजिली गाड़ी निकाल पाती है, 40 से 42 तक आपको माइलेज इस गाड़ी से इजिली मिल जाएगा। उसके अलावा जो उसका बैक का टायर साइज है वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, लगभग 130x70 17 इंचेस वाले बैक में आपको ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाता है। तो जो बैक का टायर 130 mm का देखने को मिलता है, थोड़ा आपको मोटा देखने को मिलता है, जिसकी मदद आपको रोड पे स्टेबिलिटी और ग्रिप ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी दूसरे बाइकों के कंपैरिजन में। कि फ्रंट में अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 80x100 17 इंचेस वाले ट्यूबलेस टायर फ्रंट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी में आपको फ्रंट की अगर बात करेंगे तो अच्छे टायर साइज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 276 mm की सिंगल चैनल एलिबस वाली डिस्क देखने को मिल जाती है, जहाँ की बैक में आपको मोनोसॉक सस्पेंशन, बैक फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो कंफर्टेबल लाइट वाइज गाड़ी सक्सेसफुल रहने वाली, की जो होंडा आपको सीट में कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ओवरऑल बेस्ट इन सेगमेंट प्रोवाइड करता है। तो कंफर्टेबल लाइट वाइज आपको कोई भी ज़्यादा शिकायत या दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से महसूस ओवरऑल नहीं होगी। एक बहुत ही शानदार आप इस गाड़ी से कंफर्टेबल लाइट निकाल सकते हैं, कंफर्टेबल लाइट कर सकते हैं। तो कई हद तक कंफर्टेबल लाइट वाइज गाड़ी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। उसके बाद जो आपको गाड़ी फ्रंट से LED डियाल्स LED हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड करती है, वो भी ओवरऑल देखने में बहुत ही शानदार लगता है। तो ये भी एक गाड़ी का प्लस पॉइंट इस गाड़ी साथ ले जाता है। उसके अलावा तो ओवरऑल गाड़ी एक बहुत ही बेहतरीन रहने वाली अपने सेगमेंट के हिसाब से। फ्रंट से आपने लुक गाड़ी की ओवरऑल देख ली, तो ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है फ्रंट से वो भी बहुत ही शानदार निकल के आती है। चलिए फिर बात करते हैं गाड़ी का इंजन वाइज, कौन सा आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाता है, कितने सीसी का इंजन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 162.71 सीसी का BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, 162 सीसी का, 13.67 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, एक डाउन होगा और बाकी आपके चारों गियर अप होंगे। ओवरऑल अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन वाइज, तो इंजन वाइज बहुत ही सही इंजन है, साइलेंट और स्मूथ इंजन देखने को मिलता है, माइलेज इफिशिएंट इंजन है, लेकिन पावर फिगर से बिल्कुल नो डाउट गाड़ी कम रहती है। अगर आपको एक बेहतरीन पावर फिगर चाहिए, थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपके लिए बाइक बिल्कुल नहीं बनी है, कि ओवरऑल जिस गाड़ी का इंजन है साइलेंट और स्मूथ है, होंडा का आपको लॉन्ग टर्म रिलायबल इंजन देखने को मिल जाता है, वहीं पर जो इसके पावर फिगर से कम रहते हैं, तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज वाली बात हो सकती है। उसके अलावा बात करेंगे ओवरऑल इसके फ्यूल टैंक के बारे में, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक का भी ओवरऑल बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है, कोई भी अभी तक शिकायत या दिक्कत परेशानी नहीं आई है, लगभग 13 से 14 लीटर के आसपास का आराम से इसमें पेट्रोल अट जाता है। उसके अलावा गाड़ी ब्रेकिंग वाइज भी बहुत ही शानदार है, ब्रेकिंग आपको अच्छी बिल्कुल देखने को मिलती है। इंजन क्यूसिस हैजार्ड लैम्प का आपको यहाँ पे स्विच कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है, जिसकी मदद से आप एक टाइम पे अपने चारों इंडिकेटर्स आराम से जला सकते हैं। तो ये भी कई हद तक एक बड़ा एडवांटेज पॉइंट इस गाड़ी से जाता है,
इस गाड़ी में जो ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है, जो कि आपको इनके सेगमेंट में ये जो हजार लैम्प से ऊंचे वो कोई और ऑफर नहीं करता। एक बहुत ही शानदार ओवरऑल आपको इस गाड़ी में लुक देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग अगर आप हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट अभी आपको हम दिखा रहे हैं तो टॉप एंड वेरिएंट से जाएंगे तो ब्रेकिंग नो डाउट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे डुअल मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जिसका कि नो डाउट इसका एग्जॉस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही शानदार निकल जाता है। एग्जॉस्ट की जो ओवरऑल साउंड है वो एक बहुत ही शानदार है। तो अगर आप 160 सीसी की बेहतरीन बाइक ढूंढ रहे हैं, बजट फ्रेंडली बाइक ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि आपको एक होंडा का आप इंजन ढूंढ रहे हैं, आपको होंडा का बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन इंजन चाहिए। जानते हैं होंडा का जो इंजन है थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलायबल है और बेहतर बिल्कुल रिस्पॉन्स देता है। उसके साथ ही आपको हजार लैम्प स्विच चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, ब्रेकिंग जो गाड़ी की है उसका जो बैक का टायर थोड़ा आपको मोटा बिल्कुल देखने मिलता है, 130x70 के आसपास का देखने मिल जाता है 17 इंचेस का। बैक में भी आपको 220mm की डिस्क मिलती है, तो जो बैक का टायर रोड पर अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छी पकड़ बिल्कुल बनाता है। तो कई हद तक ये बहुत अच्छी बात ये रहती है इस गाड़ी के अलावा। उसके अलावा 143kg की इस गाड़ी का वेट रहती है। और बात करेंगे ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में, तो अगर आप हम बात कर लें इसके ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में, तो लगभग 160mm की ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी ऑफर करती है। 795mm की सीट हाइट है, तो थोड़ी सीट हाइट बाकी जो इनकी सेगमेंट की दूसरी बाइक है 125cc की उससे बिल्कुल 5mm ज़्यादा है। जहाँ कि आपको होंडा SP होंडा साइन 790mm की सीट हाइट ऑफर करती है, वहीं पर आपको ये बाइक 795mm की सीट हाइट ऑफर करती है। उसके अलावा 3 ईयर्स की कंपनी द्वारा वारंटी भी मिल जाती है, जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है और 42,000 किलोमीटर्स की। तो इनमें से जो आपका पहला हो जाए लगभग आपको इतना देखने को मिल जाता है वारंटी कंपनी की तरफ से। एक मीटर कॉन्सोल देखने को मिलता है, लेकिन मीटर कॉन्सोल अभी भी फीचर्स और फंक्शन वाइज बिल्कुल जूझ रहा है। फीचर्स और फंक्शन आपको यहाँ बिल्कुल बेहतरीन कंपनी ऑफर कर सकती थी, लेकिन कंपनी को करना भी चाहिए। जहाँ पर आप दूसरी बाइक देखेंगे तो 160cc की बहुत ही शानदार आपको फीचर्स एंड फंक्शन ऑफर कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी फीचर्स एंड फंक्शन वाइज पीछे रह जाती है। बाकी बैक की ग्रैबलेस देखेंगे तो एक यूनिक सा आपको यहाँ पे ग्रैबलेस देखने को मिलता है। ओवरऑल गाड़ी सब कंफर्टेबल लाइट बहुत इजीली और आराम से निकाल सकते हैं। सीट में आपको पूरी आपको जॉइंट देखने को मिलती है, बैक से सीट भले उठी हुई है लेकिन जॉइंट सीट है, तो आप बिल्कुल अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसे बैठा के आप इजीली राइड कर सकते हैं। सस्पेंशन का अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई भी आपको शिकायत महसूस नहीं होने वाली है। ओवरऑल जो बाइक है वो बहुत ही शानदार अपने हिसाब से पैकेज प्रोवाइड करती है। देख सकते हैं HET होंडा का आपको यहाँ पे बैचिंग देखने को मिल जाती है, BSS कंप्लायंट इंजन आपको बिल्कुल देखने को मिलता है, कीक और सेल्फ आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे दूसरी बाइकें दूसरी अगर बाइकें देखेंगी या कंपनी देखेंगी तो अपने 160cc बाइकों से किक रिमूव कर रही हैं, वहीं आप देख सकते हैं आपको होंडा किक और सेल्फ दोनों ही ऑफर करता है। तो आप चाहें तो अपनी गाड़ी को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कई हद तक ये बहुत अच्छी बात लगी। आपको यहाँ किक बिल्कुल देखने को मिलता है, देख सकते हैं किक पूरा इनका वर्किंग है और बहुत ही शानदार ओवरऑल आपको कंपनी द्वारा किक देखने को मिल जाता है। तो ये कई हद तक ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ही शानदार बाइक लेने का 160cc में, होंडा का आप हॉर्नेट देख रहे हैं या होंडा का एक्सप्लोर देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पता ही होगा होंडा की हॉर्नेट जो है वो 184cc की हुई, वहीं पर जिनकी एक्सप्लेट अभी भी आपको 160cc का इंजन ऑफर करती है, एक बहुत ही शानदार लुक ऑफर करती है। तो बिल्कुल आप इस गाड़ी से जरूर मूव कर सकते हैं। लगभग 4 कलर कॉम्बिनेशन आपको इस गाड़ी में कंपनी ऑफर करती है, 2 कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दिया, उसके अलावा रेड और आपको एक ब्लैक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी जो लोग भी चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को भी जितना हो सके उतने को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी की ऑल न्यू होंडा।